हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैरी नू आ गई हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए एक नया व्लॉग लेकर के। और ये है शाम का टाइम, मैं लेकर आ रही हूँ लकड़ियाँ और खेत से लेकर आए हैं, मतलब जो दूसरे खेत में पड़ी हुई ना वो वाली लकड़ियाँ लेकर आए हैं जो कि हमने 4-5 महीने पहले डाली थी वहाँ पे। मतलब उस टाइम गीली थी, अब सूख चुकी हैं। और ये देखिए, ऊपर तार था, तार में अटक करके और यहीं गिर गई है। अब मुझे हाथ से उठा करके वहाँ रखनी पड़ेगी। इनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, बहुत भयंकर वाले कांटे होते हैं। मतलब लंबी लंबी जो सूल होती है ना वो होती हैं इन लकड़ियों में, बहुत सारी सूल होती हैं। और इनको देख करके मुझे पहले डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो मेरी ये मुंह दिखाई में डाली गई है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज के इस वीडियो में मम्मी खुद बताएंगी मम्मी ने हमारे मुंह दिखाई में क्या डाला है। मतलब इस गांव में, पूरे गांव में जितने भी बहुएं आती है ना, उन सब की मुंह दिखाई में कॉमन चीज़ मिलती है मुंह दिखाई। मतलब जब भी कोई बहू अपने मायके, मतलब ससुराल आती है, तो उसको मुंह दिखाई का नेक दिया जाता है। तो इस गाँव की बहुओं को एक मुँह दिखाई का नेक जो है वो मिलता है, वो मैं दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में क्या मिलता है। रुके रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने का मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। और कांटा चुभ गया पैर में, देखो बहुत सारे कांटे लग जाते हैं वहां जाते हैं जब। और ये पैर में देखो कितने सारे लगे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप देखेंगे इसमें नहीं इतनी कोशिक जड़ रेड बकरी हम लोग कोशिक जड़ खेत में अंबार से बरोठा को बढ़ता ही शुरू हुई ही जानता सगला काटर गई मैं पहले पहले मठे काटर पग मोड़ गए तो ये है हीरा मोती। हीरा मोती रह गया। हीरा मोती भाई ये बक माय का लड़ा मुंह दिखाई ना। मुंह दिखाई ना। बीलों अंबु आई ना वहाँ सर का मुंह दिखाई नहीं आएगा। बरूठ। बरूठ ना ही हीरा मोती। हीरा मोती चल गया। मम्मी हाथ गीले करके लगाओ उतारोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं छुबेंगे। मैं पनगड़े में फिर कह तरू एक नाखून थी एक पकड़ू तो अभी आपने देखा मम्मी ने साफ कहा इस गांव में जो भी बहू शादी करके आती है ना उसकी मुंह दिखाई में ये जो भरूंट है, ये काटे हैं, ये परमानेंट के लिए हो जाते हैं। मतलब अगर वो काम करे तो भी, ना करे तो भी, लगने जरूर है ये, खेत में काम करने से लग ही जाते जी, हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। मैंने गुड़ खाया था गुड़ लगा हुआ है तो अभी मेरे को लगाना है आटा। और मैंने आज ये इसलिए पहना है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बाहर, तो हाथ जो है ना फट जाएंगे। और बच्चे स्टडी कर रहे हैं। शिवांश आज मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सब पढ़ रहे हैं आपको छोड़िए। 12 बज गए, मैं मॉर्निंग कर रही हूँ, मॉर्निंग घड़ी बोल रही है 12 बज गए। हाँ, 1 मिनट बाद शिवांश का भी काम हो जाएगा। मैं शिवांश की एक बार हैंड राइटिंग दिखा देती हूँ आपको। हैंड राइटिंग से मतलब है आज पहली बार लिख रहा है, वो देखना आप। और यहाँ देखिए शिवांश कितने प्यार से काम कर रहा है। मतलब के इनको, दोनों बहन भाइयों को एक जुनून सा है पढ़ने का, अभी के लिए है, लेकिन पहले का तो नहीं, नैनी को तो नहीं था, लेकिन अब हो गया है। अब काफ़ी दिन इन्होंने रेस्ट कर लिया ना, और बीच में मेरी भी थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी तो मैंने उतना फोकस नहीं किया था इनकी स्टडी पर, मैं नहीं देख पा रही थी। अब मैंने देखा है। और ट्यूशन पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि ट्यूशन में बच्चा जाता है तो, मेरी थॉट बता रही हूँ मैं, 1 घंटा वो लगाता है वहाँ पे, 1 घंटे के लिए ट्यूशन में रखते हैं। और फिर उसमें से मुझे लगता है कि ट्यूशन टीचर उतना नहीं पढ़ा पाती जितना मैं अच्छे से मेरे बच्चे को पढ़ा लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इनको दोनों को स्टडी करवा रही हूँ साथ साथ, और नैनी को भी डांट लगा रही हूँ क्योंकि नैनी नहीं पढ़ेगी तो तेरी पिटाई हो जाएगी। तुम काम कर ले, देख ले, अच्छी बात नहीं है, अब तेरी रिमांड होनी है रोज। इस तरीके से मैं उसको डांटती जा रही हूँ और साथ साथ अपना काम करती जा रही हूँ। और मेरे बच्चे मेरे से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे से पढ़ लेते हैं। मैंने नैनी को ट्यूशन नहीं भेजा पहले भी, कभी भी ट्यूशन नहीं भेजा, मतलब 1-2 महीने के लिए बीच में मैंने डाल के देखा
था, लेकिन फिर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। मैं थोड़ा सा इस मामले में ना थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ। मुझे यूँ लगता है कि नहीं, अभी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मैं बीच में ही फिर मैं खुद से पढ़ाने लग जाती हूँ। होते ना कई लोग ऐसे ही थोड़े से अटपटे स्वभाव के, तो ऐसा अटपटा स्वभाव है मेरा पढ़ाने के मामले में तो है भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरे बच्चे को मेरे से बेटर नहीं पढ़ा सकता कोई। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रही थी आप लोगों को कि मेरा छोटा भाई है, उसका चैनल जो है वो हैक हो गया है कि क्या हो गया है नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वो चैनल नहीं चल रहा। वो जैसे ही YT में अपना ओपन करता है ना यूट्यूब पे, तो उसका चैनल ओपन नहीं हो रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, बहुत डिमोटिवेट हो चुका है, बहुत निराश हो चुका है। मैं उसको एक अपनी तरफ से वो दिया है, मैंने उसको दिलासा दी है कि सब सही होएगा, तू काम कर दोबारा से। उसके 20,000 सब्सक्राइबर थे, बहुत ज़्यादा परेशान है फ़िलहाल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिएगा, उसका साथ दीजिएगा। मैं लिंक जो है उसके चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराऊँगी, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कमेंट जो होगा वहाँ पर लिंक दूँगी। जो भी अगर मतलब अपनी इच्छा से सब्सक्राइब करना चाहे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, उसका साथ देना, वो डीमोटिवेट ना हो, वो आगे काम करे। और 20,000 सब्सक्राइबर का जब चैनल उसका गया है तो उसको बहुत ज़्यादा निराशा हो रही होगी, ये मैं उसकी बात समझ सकती हूँ। मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक वीडियो तैयार करने में। हम लोग पूरा दिन अपना खपा देते हैं, साथ साथ अपना काम करते हैं, तो वो काम जो है ना, मेरे पास कई कमेंट आते हैं देखने लायक कुछ नहीं होता तुम्हारे ब्लॉग में। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं लगता आप मत देखिए प्लीज़, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है जिनको पसंद है ना, उनके लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, कितनी मेहनत लगती है वो मैं बताऊँ आपको। एक जो वीडियो होता है ना, उसको एडिट करने में तो जो टाइम लगता है वो लगता ही है, लेकिन उसको कैप्चर करने में, उसको बनाने में पूरा दिन हमें अपना जो काम होता है उसको बहुत ज़्यादा डिले करना पड़ता है। डिले अपने आप हो जाता है शूट करने के चक्कर में, कि हमें शूट करना है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले होता है काम, और सारी रूटीन गड़बड़ाई रहती है। मतलब फुल डे वर्क होता है ये, फुल डे वर्क। तो ये एक जुनून होता है, ऐसा नहीं है कि बस इनकम के लिए ही इंसान काम करता है, शौक भी होता है किसी किसी को। तो मुझे वो शौक था, मैंने 2.5 साल हो गए मैंने यूट्यूब पर अपना टाइम दिया है, तो मुझे वो शौक था, मैं अपना शौक पूरा करने के लिए काम करती थी। मेरा चैनल आप लोगों तक पहुंचा, ये मेरी खुशनसीबी है, आप लोगों ने मुझे पसंद किया ये मेरी खुशनसीबी है, और साथ ही साथ मेरा ये शौक था तो मैंने फिर काम करना कंटिन्यू रखा। जब शौक होता है इंसान को, जब इंसान की खुद की इच्छा होती है ना, तो वो कुछ भी हो जाए वो उस काम को करता ही है। तो वैसे ही मेरे छोटे भाई को शौक है, वो काम कर रहा था, लेकिन उसका अब वो हो गया, चैनल में कोई ख़राबी है कि क्या हुआ है, लेकिन उसके YT स्टूडियो में ओपन नहीं हो रहा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना उसके चैनल को। मैं आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराऊंगी, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर कोई सर्च करके जाना चाहे तो ब्लॉग लीला नाम से उसका चैनल है, ब्लॉग लीला, VLOGLEELA, ब्लॉग लीला। ऐसे अगर कोई सर्च करके जाना चाहे, इसको नहीं मिल रहा हो तो आप सर्च करके भी जा सकते हैं। नहीं नहीं ट्रिक नहीं आज। और अब बात करती हूँ मैं मेरे वीडियो की, तो यहाँ पर फिलहाल मूली धोई गई है, ये मूली जानी है कल सुबह मंडी में, और मैं बना रही हूँ दाल। मम्मी की आज तबीयत खराब है, मम्मी की वोमिटिंग हो रही है, साथ साथ चक्कर भी आ रहे हैं, और लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वो पता नहीं कैसे पीछा ही नहीं छोड़ती, कुछ ना छोड़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ बस गड़बड़ मची रहती है। जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है और साथ साथ इस तरीके से फैमिली में कोई भी बंदा अगर बीमार होता है ना, तो मेंटली कंडीशन आप समझ सकते हैं कैसी हो सकती है। और यहाँ पर मैंने बनाई है दाल, मूंग की दाल बनाई है, वो चूल्हे पर रखे अपने आप देखो इस तरीके से तैयार हो गई। अपने आप तो क्या हुई है, आज को देखना पड़ता है, तो मैंने बाद में आपको अपने आप बोलती हूँ। मैंने आज को बार बार चेक करते रही, और इधर दाल तो उधर मूली की सब्जी बनाई है मैंने पापा जी के लिए, दाल बनाई है बाकी सबके लिए, मम्मी है, बच्चे हैं और शर्मा जी हैं, सबके लिए दाल बनाई है। सिंपल सी दाल है, जीरा हींग का तड़का लगा करके, और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये वाली दाल जो है ना चूल्हे पर जो बनती है ना, इस दाल का टेस्ट मैं आपको मतलब वर्ड्स में नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये दाल होती है। और हाँ, मेरी इस तरीके की रूटीन को देख करके मेरे पास कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप कैसे काम कर लेते हो इस तरीके से, ऐसे इस घर में, इस मतलब हमारा काम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है, ऊपर से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो शायद तक मेंटेलिटी ये हो चुकी है ज़्यादातर लोगों की कि ऐसे आजकल के टाइम पे कौन काम करता है, तो कर लेते हैं यार, मतलब हैबिट हो जाती है इंसान की। और जो घर घर में प्रेम देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता रहन सहन कैसा है, तो प्रेम मुझे अच्छा लगता है इन सब का। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में, भाभी जो है वो काम कर रही थी क्या
कि करवा चौथ है तो करवा चौथ पर जो नेक जाना है बेटियों के ससुराल, तो वो कपड़े वगैरह निकाल रही थी तो उन्होंने ये साड़ियाँ निकाली है। मैं पूछ रही थी किसकी कौन सी है, तो ये बताई उन्होंने, बिटिया की एक और है, बिटिया की और दो बिटिया की सास की हैं। दोनों ही साड़ियाँ जो हैं, मैं आपको आगे वे मतलब जो वीडियो आएगा ना उस वीडियो में मैं आप प्रॉपर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी भी वो निकाल ही रही हैं। मार्केट से हमारे यहाँ कोई नहीं लेके आया, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना खर्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना है वो सामने है आप लोगों के, अच्छा लगता है इसी तरीके का, और सामने वाली फैमिली जो है वो भी हम लोगों के जैसे ही है, तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती कि आप लोगों ने घर से ही किया है, क्योंकि वो लोग भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए सारा सामान भाभी जचाने लग रही है, और करवे जो हैं वो बड़े भैया के घर में रखे हुए हैं, सुबह ये देखेंगे। देखो जी, भाभी जचा रही है भाई का सास रे भेजन को सामान। कल करवा चौथ का करवा जाएगा, मतलब 1 साल हुई है ना ब्याह ने, अभी दिसंबर में 1 साल होगी, तो कल करवा जाएगा। करवा में सामान जो जानो है वो जचा के रख रही, करवा रखे हैं दूसरे घर, वे कल सुबह पहुंचेगा। और अभी जो छोटा मोटा सामान है वो जचाया जा रहा है। कोई बता सके या सासू बन गई मतलब एक छोरी ब्याह गई, कोई बता सके? देख लो एक छोरी भी ब्याह गई, दूसरी अभी राखी जो है वो है ही, एक की शादी हो गई मोना की, आप लोग पूछते रहते हो, तो राखी की बहन जो है उसका नाम मोना है, ठीक है? तो ये जचा दिया सब कुछ, और आप सबको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबका सुहाग सलामत रहे, भगवान से माता से यही चौथ माता से दुआ है। आप हमेशा आपकी 16 श्रृंगार चमकते रहें, अच्छे रहें, ठीक है? तो इसी दुआ के साथ में और हम यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है? दाल में लिया ही रे, अब दाल ने घोट दूँ मैं, या घोटनी ली रखी बड़ी सारी, देखो है ना, मैंने धो ली, अब इन घोटता फटाफट, दाल बन के तैयार है। तो जी दाल बन गई थी तो मैं उसको घोट करके तैयार कर देती हूँ। ये देगची की शक्ल कैसी हो रखी है ना, मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आपके बर्तन बहुत गंदे होते हैं। मैं आज आप लोग कहेंगे कमेंट में कि सारे क्वेश्चन उठा लिए आज आपने, लेकिन मैं बस मेरे इमोशंस बता रही हूँ आप लोगों से, कि कई लोग बोलते हैं कि आपके बर्तन बहुत गंदे होते हैं, तो मेरे यहाँ पे बर्तन अंदर से बहुत साफ़ होता है, बाहर से काला इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर शौक के लिए चूल्हे पर खाना नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ पे हमेशा कुछ मतलब अच्छा भी लगता है, ऊपर से मजबूरी भी है कि भाई कुछ सेव हो जाता है, कुछ पैसे बच जाते हैं, गैस बच जाती है, लकड़ियाँ हमारे यहाँ मिल जाती हैं तो हम ले आते हैं और बना लेते हैं, मेहनत करते हैं। और बर्तन इतने नहीं काले मानते, मेरे से तो साफ़ नहीं होता यार, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता, बस जितना होता है वो आपके सामने है। तो अब इस वीडियो का एंड भी करेंगे, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक बार फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, मेरे को भी और मेरे भाई के चैनल को भी।